Well done. Wow. बस थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग जो यूं यूं करके नारे लगा रहे थे, ऐसा शैतानों कंकरियां मार रहे हैं यार आप लोग। वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बड़ी खास गेस्ट हैं, क्योंकि हंसना मनाए की तारीख की शायद सबसे यंगेस्ट गेस्ट। ड्रामों में काम किया और जिन ड्रामों में भी काम किया बड़े ही पॉपुलर हुए, तो बुलाने जा रहा हूं एक फूल की कली, मेरे साथ मौजूद है मीरा मलिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मनाए। आ जाओ मीरा, मेरा बैठना नहीं, बैठ बैठ। डॉक्टर ने दवाई की जगह लिखा था उसका नाम, डॉक्टर ने दवाई की जगह लिखा था उसका नाम, और साथ ये भी लिखा था सुबह दोपहर शाम। मुझे लग रहा है असल में उसके साथ डॉक्टर का चक्कर है। वेलकम टू हंसना मनाए। मीरा, आपने करियर के शुरू में ही माशाल्लाह से वो काम कर दिखाया जो लोग अपनी करियर के पीक पे नहीं कर पाते। हंसना मनाए में आप आए। अच्छा जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्या देख रही, कुछ भूल के चली गई, समझ नहीं आ रही किधर बैठी हुई हूं। आई फील वेरी ऑनर्ड यार आपके साथ, इतनी बड़ी, इतने बड़े इंसान के साथ बैठी हुई हूं मैं, तो बहुत, मैंने कहा झूठी तारीफें कर रहे हैं तो कर ही लेती थोड़ी सी और। अच्छा मेरा वैसे है कि आप माशाल्लाह बल्तिस्तान से ओरिजिन फैमिली का है, जी जी। पैदा आप लाहौर में हुई, रहती आप सऊदी अरब में हैं, आना जाना आपने कराची इस्लामाबाद में लगा रखा है, ये इतनी बिखरी हुई क्यों है आप, एक जगह सिमट के क्यों नहीं बैठ जाती? वो दरअसल हम लोग थे तो सऊदिया के, तो आप सऊदिया के, मतलब सऊदिया में ही होना था, एंसेस्ट्री बल्तिस्तान की। तेल का काम है आप लोगों का, एक्सपोज नहीं करना था इधर हमें, हमारी ये काम को अंदरूनी रखें। जी मैं डूबती हूँ कभी कभार, लेकिन ये कि अम्मी इत्तफाकन लाहौर आती थी पैदाइश के लिए, कि मैं पैदाइश के लिए आती जाती हूं, मतलब पैदाइश के लिए आते हैं। मतलब मैं, रामिर, जाविर, मेरे दो और भाई हैं बड़े हैं मुझसे, रामिर लाहौर में पैदा हुए जी, हम तीनों लाहौर में। क्या बात थी कि सऊदी अरब से उधर फैमिली नहीं थी ना, उधर फैमिली नहीं थी, लाहौर में रहती थी फैमिली, लाहौर में सारी फैमिली थी, तो मामा फिर आती थी, हम इस दुनिया में, आप लोग होते थे इस दुनिया में, होते थे हम, और फिर उसके बाद हम वापस सऊदिया, वापस सऊदी। और कभी गिलगित बल्तिस्तान में भी फैमिली होगी, वहाँ जाना होता है? वहाँ मेरा अभी तक जाना नहीं हुआ, फैमिली उधर है जी, जो आपकी आँखें खुली है ना, बहुत लोगों की खुलती हैं जब मैं बोलती हूँ, लेकिन ये कि पाकिस्तान हम 2015 में मूव किए, पढ़ाई और काम वाम इतने बढ़ गए कि बल्तिस्तान जाना नहीं हुआ। अच्छा, बोलना आती है या बिल्कुल भी नहीं आती? आती है बोलनी। अच्छा, मतलब इतनी हद तक आती है कि अम्मी को बता देती हूँ कि बाहर वाला सामने खड़ा है, बीच में मेरी बेइज्जती नहीं करे। अच्छा, इतना बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला है। अच्छा, एक और बात ये है कि मैंने सुना है कि आपको वो बातें भी याद हैं जो 10 महीने की उम्र में आपके साथ हो रही थी जी। ये तो कल परसों की बात लग रही है कि 10 महीने, लेकिन ये 10 मैंने ये पहली बार सुना है, क्योंकि साइंस इसके खिलाफ बात करती है, साइंस कहती है कि मैंने साइंस के खिलाफ बात की, 6 साल की उम्र का बच्चा तो उसको याद होती है 2 साल से पहले की बातें, 6 साल 8 साल के बच्चे को याद नहीं रहती। आपको हाँ। अभी तक याद है माशाल्लाह, या तो आप 6 साल की हैं या ये कोई मौजज़ा है? करीब करीब 10 महीने में होता ही क्या होगा बच्चे के साथ। तो मुझे एक चीज याद है उस ये 10 महीने के टाइम, मैं दूध पीती थी, जब मैं दूध पीती थी, जब मैं छोटी सी थी, लेकिन उस टाइम का मुझे याद है, तो जिनों वाली कहानी है मेरी, कि उस टाइम पे मेरे नाना अबू ही इस पास हुए, बट आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, मैं रात को रोती बहुत थी, तो वो मुझे एक ब्लैंकेट में रैप करके गोद में ऐसे वॉक टहलते थे, छुपा के, कोई पकड़ ना ले मेरी बच्ची को, लेकिन ये होता था कि वो टहलते थे, तो बीच में मुझे याद, एक दफ़ा मैं रोई हूँ और मैं उठी हूँ और मेरे नाना अबू ने मुझे गोद में उठाया और वो मुझे बाहर लेकर गए हैं, और सामने एक लंबी सी एक लेन थी हमारी, सामने एक बिल्ली बैठी हुई है बहुत दूर, और काले रंग की बिल्ली है, और मैं उसको देख रही हूँ, और पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी हंसेंगे सब मेरे पे, हंसना मना है, हंसना मना है, ठीक है हाँ, और वो मुझे देख रही है, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से मुझे नजर आ रहा है कि मैं ऊपर हूँ और मैं नानू की गोद में हूँ, मैंने जिस तरीके का मुंह बनाया हुआ था सब याद है, 10 महीने की बच्ची का काम याद है, और मैंने ये 15 साल बाद अपनी अम्मी को बताया कि अम्मा याद है मैं ये किया, मम्मा ने कहा तुम्हें कैसे पता है ये लाइफ में आपके भूतों का बहुत जिक्र आया है। एक सुना है घर के अंदर एक आंटी भी माशाल्लाह से बाकायदा रहती थी, जो अब फैमिली का हिस्सा ही बन चुकी थी और भूत कैपेसिटी में थी जी, तो क्या है वो किस्सा?
एक औरत थी, आंटी का नहीं पता मुझे, उम्र उससे नहीं बताई मुझे, उम्र नहीं बताई, आवाज़ जैसी उसकी बहुत खूबसूरत सी थी, तो शायद कोई लड़की थी, लेकिन ये था कि मेरे ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे अब मैं अकेली होती हूँ, मेरे अब्बू और मैं ऊपर होते हैं, और मेरा एक भाई, एक अदद भाई है, इस डिटेल का कोई फायदा नहीं है। अरे तो बता रही हूँ, उससे मैं अकेली थी, बहुत अपने आप को वो दलेर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा सीन था मेरा कोई, लेकिन ये था कि ऊपर एक औरत रहा करती थी, गाती थी रातों के टाइम पे, अजीब व गरीब, मतलब कोई गुनगुना रही, ये तो नहीं गाता था। हाँ, ये था, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था, कहानी तो ऐसी लगती है, लेकिन बस वो बस गुनगुनाती थी। अच्छा, ये मैंने देखा है, भूत जो है गाते बहुत अच्छे हैं। हाँ, स्टूडियो इनका भी होना चाहिए। भूत स्टूडियो। अच्छा, एक कमरे की तस्वीर भी है आपकी, दिखाओ भाई पीछे से। मीरब जो है अगर वो जिन भूत का काम करें तो कैसी लगेंगी, तो एआई ने बताया कि भाई अभी दिखाई तस्वीर, दिखाओ अभी दोबारा से बेटा, ऐसी लगेंगी, बहुत अच्छी लग रही है आप, तो काला जादू करते हुए भी आप इतनी अच्छी लग रही है, प्यारा जादू लग रहा है, काला जादू नहीं लग रहा। हाँ, पीछे क्या खड़े हैं, पीछे कौन आइटम है, ये तीन इनको जानती हैं? हाँ, ये मुझे लग रहा है, एक मेरा भाई रामिस, बदतमीजी की थी मेरे साथ, अभी वो वापस छालियां खाना छोड़ देते, दांत कैसे हैं ना, कितने गंदे हो गए, दांत को मना किया था मैंने, नहीं मानता, मेरी सुनता ही नहीं मेरी, एक जाविर होगा और तीसरा नहीं पता, वो आंटी तीसरा शायद आप हो, वो आंटी हो, तीसरा शायद मैं हूं, तीसरे आप, सेहत अच्छी लगी, कौन होगा बेचारा, अच्छा हम बन जाए, भाई बन जाए, आसिम ना बने, जितना खुश है वो आसिम नहीं है। हाँ, जो खड़ा हुआ तो यही, इसी बात मैंने मना की है। अगला दिखाओ भाई। अच्छा, आप अगर आपको एज अ सोल्जर बनाया जाए, देखना चाहेंगी कैसी लगेंगी? Sure. दिखाओ बेटा सोल्जर। ओह हो 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 हो। अबे ये एआई है, कौन है ये? जोर से आई हूँ। हाँ। जोर से आई हूँ। अब एज अ सुपर हीरो दिखाओ बेटा कैसी लगेगी? उफ, उफ, मार्वल किधर है, मार्वल किधर है, मुझे आगे दिखाओ। अब देखिए भाई, ऐसा है कि आगे बढ़ते हैं, लीडरान में चलते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर सुपर हीरो हो तो कैसे लगेंगे, दिखाओ बेटा। और भाई, और किसको देखने हैं? बिलावल भुट्टो की देखते हैं क्या लगेंगे, दिखाओ। अच्छा, वापस आते हैं आपके कमरे के अंदर, आंटी एक रहती हैं ऊपर, आप अकेली रहती हैं, वो ट्रे वरे का क्या किस्सा था, वो ट्रे लेकर आ गई, वो सऊदीया में था। अच्छा, वो एक आदमी था, हर जगह का अलग जिन है, अल्लाह ना। अच्छा, पहले कराची का जिन बताओ आप, इधर का जिन, इधर का जिन, इधर का जिन बस गाती थी और कोई भागता था मेरे घर में ऊपर वाले पोर्शन में, कोई मोटा सा बच्चा फील होता था, उन्हीं का होगा, उन्हीं आंटी का, उन्हीं का होगा, वो गाती थी, खाना बनाती थी, उसके लिए वो खाता था, वजन उसकी चाल से वजन पता कर लिया, मतलब होता है ना, जैसे आपको तो मोटा नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप भाग रहे हो, हाँ, तो आपकी धब 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 से पता चल जाता है। खैर, वो दुआएं शुआएं पढ़वाई घर में और फिर गुड बाय हो गया उनका, आंटी का गाना खत्म हो गया, आंटी का गाना, अल्लाह का शुक्र, किसी ने कहा नहीं, अच्छा खासा चल रहा था बेटा, आप लोग महफिल लगा लेते, अच्छा था वैसे, अच्छा था, नीचे ढोलक, अच्छा फरमाइशें लेती थी आंटी, क्या अगर कह दिया जुम्मा चुम्मा गा दे, चुम्मा ही लगा दी मुझे उसके बाद, अगर मैं ऐसा नहीं, नहीं नहीं, कभी फरमाइशें नहीं, कभी उनको तंग नहीं किया मैंने, कभी भी तंग नहीं, उन्होंने किया, हमने कभी तंग किया, क्या तंग किया, दरवाजे लॉक कर दी थी मेरे कमरे के अंदर से ही, अरे, और फिर एहतियात कर रही थी वो, कोई आए ना अंदर लॉक कर दिया, कराची तो नहीं लेकिन ये कि तंग बहुत करती थी, दरवाजे लॉक, कभी चीज़ें मेरी इधर उधर कर लेती थी, कभी सो रही हूँ तो किसी ने नाम मेरा कान में ले लिया और मैं डर के उठी हूँ, फिर एक पॉइंट पे इतनी आदत होगी मुझे, इतनी आदत होगी उनसे काम करवा रही है, क्या मतलब, मैं थी यार तंग नहीं करो यार, रुखसाना आंटी चाय ले आए, हाँ वैसे बड़ा अच्छा होता, अब तो कोई जिन विन साथ नहीं, अब नहीं, ठीक है, अब एक काम करते, जिनसे याद आया, ऑडियंस बैठी हुई जी, आपके लिए सवालात लेकर आई है, ठीक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ताविश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मेरा बाप ठीक ठाक है, क्या नाम है सर आप? मोहम्मद अली, क्या करते हैं अली भाई? सर मैं अपनी बीवी की खिदमत करता हूँ, बीवी हाय बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, इनका मैं मजार बनवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगी कुछ लोगों से, मजार पे लिखवाऊंगा, अभी हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, ठीक है सर, ये बताइए कि वाकई में क्या करते हैं खिदमत? मैं बिजनेसमैन हूँ, किस चीज का कारोबार लगा रखा है? माशाल्लाह मार्केट में एक शॉप है हमारी, माशाल्लाह बेचते हैं उस पे कुछ, ऐसे शॉप खोल रखी है, बेचते हैं, कोई सवाल लाएं? जी सर, पूछिए ना, मेरा आपसे सवाल है कि कोई लाइफ में ऐसा एडवेंचर जो आपने अभी तक ना किया हो और वो आप करना चाहती हैं, और यही सर ताबी सर आपसे भी, अच्छा, कि आपके लाइफ में कोई ऐसा एडवेंचर जो आपने ना किया हो और आप करना चाहते हो लेकिन दूसरी शादी के अलावा, दूसरी शादी के अलावा, ऐसे एडवेंचर नहीं रखते हम, मीरब आप बताइए, मेरी एक ही सबसे बड़ी है वो स्काई डाइव करना,
और अगर पीछे कोई भूत आ गया दोबारा फिर क्या करेंगे? ये साथ कर लेंगे, और एडवेंचर हो जाएगा ये। अब आप यूज्ड टू हो चुकी हैं, अब तो इनके ताल्लुकात हैं, अब मेरे दोस्त हैं, अब कॉल करेंगे। आंटी आए, अंकल हैं, कोई रिश्ता चाहिए आपको करा देंगे। आपके घर में कोई चुड़ैले जेन्युइन हो आपके लिए भेज। मैं सर एक बार ना मुल्क का वजीर आजम बन के देखना चाहते। ये हमारे लिए एडवेंचर ना बना दे, आपका एडवेंचर पूछा था, हमारे लिए एडवेंचर। एडवेंचर के लिए वजीर आजम बनना चाहता हूँ, मुल्क चलाने के लिए एक बार आर्मी चीफ भी बनना चाहता हूँ। <Yeah. laughs> अगला सर, आप क्या एडवेंचर करेंगे सर अगर आपको सेहत ने इजाजत दी तो? सर मैं वही वाला, दूसरी शादी वाला। सर हम पहली शादी लाए सर? जी सर। कहाँ है ये मेरे साथ? इतनी हिम्मत बराबर में बैठा के, वाह दीजिए। अभी तो हंसने का मौका मिला, घर में कहाँ। ये तो दीजिए, अब घर जाना नहीं होगा ना उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाभी? मिसेज अली, फातिमा अली। मिसेज फातिमा, मिसेज फातिमा कितने साल हो गए सानिया को? माशाल्लाह 17 इयर्स। माशाल्लाह 17 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। आप इनकी ख्वाहिशात देख रही हैं? यहाँ पे आके ये ख्वाहिश हुई है, घर में नहीं थी। घर में नहीं थी, जैसे ही उन्होंने देखा यहाँ कुछ भी कह सकता हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो आप घर जाके अली भाई के साथ क्या होगा, कुछ हिंट्स दे दे। ये अब आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत थैंक यू। अगला भाई किसके पास है बेटा? ये काले चश्मे वाले को देना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कर लो पहले। कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? अली हमजा। अली क्या करते हो? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट, पढ़ाई भी यही की है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है? जी सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जैसे आप पहले बताए, माइक चोरी का नहीं है, आराम से पकड़ लो, चला रहे बच्चे की तरह, आराम से कर लो। जैसा आप पहले सवाल बता चुके हैं कि आप अल्ताफ भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया कि? हाँ जी। मुझे खुद अंदाजा नहीं। आप पिछले शो में बता चुके हैं। आप कह रहे हो तो मैं मना भी नहीं। तो अल्ताफ भाई फार्मासिस्ट हैं। बिल्कुल है, फार्म भी की। हम भी फार्मासिस्ट हैं। मैं नहीं हूँ। हम? हाँ तुम भी हो। तो हमें हिंट दें कि हमें सियासत में कैसे आना चाहिए। जिस तरह भाई आए थे, आए कहाँ थे, लाए गए थे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ही पोटेंशियल किसी ने देख लिया तो वो आपको ले आएंगे। सियासत में आता कौन है? कोई पोटेंशियल पता है ना, किस किस्म का पोटेंशियल? मुझे देखना भी नहीं आता, वो जिनको आता है वो ही बताएंगे। चलो अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सुबहान। सुबहान क्या सवाल लाए हो? ताबिश भाई मेरा आपसे सवाल है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज। हाँ जी बताओ। ताबिश, ये जो आपका शो है हंसना मना है, आपसे बेहतर इसको मैं जानता हूँ। हाँ सही हो, ये तो है, ये तो हो सकता है। जब आप कनाडा में थे मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। जब आप कनाडा से वापस पाकिस्तान आए हैं, मुल्क के हालात क्यों खराब हुए हैं? गुड क्वेश्चन। ये तो है, ये मैं भी इस नियत से आया था मुल्क के हालात अच्छे। चलो चलो चलो, जिस दिन से आया हूँ बेटा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत है, मैं जब कनाडा भी गया था ना, वहाँ के हालात बहुत अच्छे थे, अब वहाँ की भी हालत खराब है। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया वेरी नाइस। क्या करती हैं अर्शिया? जॉब करती हूँ। किस चीज की? कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हूँ। वेरी नाइस। सवाल लाइए। यस पूछिए। आपसे क्वेश्चन है मेरा, ताबिश भाई जैसे हमें बचपन में फ्लाइंग चप्पल बेलने और हर चीज से मार पड़ी हुई है, क्या आपको भी पड़ी हुई है? भाई जान किचन यूटेंसिल ले लो सारे, आप सारे जमा लो, चिमटा, वो जो नहीं होती, वो पतीली पकड़ने की एक वो होती है, फांसी जैसी, वो क्या, रैकेट। आपको कभी तार नहीं, कभी इस्त्री के तार के सॉकेट से मार पड़ी है? ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं पड़ी। आपको कभी आपको कभी न्यूक्लियर वेपन से मार पड़ी है? ये किस किस आपको इस्त्री के सॉकेट से मार पड़ी है? ये लगती है शायद, सुना था मैंने। लगती तो होगी, किसी चीज को भी मारोगे लगेगी वो तो। लेकिन सॉकेट से? सॉकेट से बहुत। हाँ वो जो आता है सीधा और घोड़े पे आ रहा है ना, इस्त्री लेके घोड़े पे आ रहा है मार। नहीं वहाँ मुझे मारे पड़ी है बहुत, हर किस्म की चीज से मार पड़ी है। किस किस हरकत पे पड़ी है सबसे ज्यादा? कौन सी ऐसी शरारत थी आपकी जिस पे मार पड़ती रही? मुझे देखिए, हमारे अब्बा जो थे ना, वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी थे, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे बड़ी चीजों पे कभी नहीं मारा, खातून का चक्कर हो कभी नहीं मारा, कभी सिगरेट पकड़ी गई कभी नहीं मारा। एक दिन शॉर्ट्स पहन लिए, बच्चे पहनते गर्मियों में, उसके ऊपर इतनी कुट लगा दी, पता ही नहीं चलता था किस बात के ऊपर मार दे।
तो ऐसे वो भी रैंडम मार देते कि बच्चों को भी लगे कि बाप सख्त है। वैसे आपको मौका नहीं मिल रहा कि यार आज क्यों मारे, आज इसका फर्स्ट आया मार दो, फर्स्ट क्यों आए हो, बाकी बच्चे बेवकूफ हैं बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई क्या करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। अरे वेरी गुड, मिस्त्री का काम करते हैं। नासिर भाई ये बताइए कि क्या सवाल लाए? सवाल तो कोई नहीं है। नाइस यार, अच्छा है, अच्छा नाम है। मेरे कुछ लाए तो हैं, डिफरेंट है। कोई और चीज लेकर आए क्या? शेर लेके आए हूं। शेर लेकर? छोड़े हम पे, छोड़ दें, भाग जाओगे आप। अरे आप छोड़ो तो सही यार, शेर से डरते हैं। अरे आजकल तो शेर भागा हुआ है भाई, शेर से कहाँ भागेंगे यार। शेर से कौन भाग रहा है यार। चलो वो शेर थोड़ी है, वो तो इंसान है जो भागा हुआ है। नासिर भाई तुसी शेर सुनाओगे या मैं कोई दूसरी दुकान देखूं? शेर नहीं मैंने सुनाना। तो आप अबे तो इन्होंने सुन करना क्या था इन्होंने? आपकी क्या डील हुई थी? नहीं नहीं, घबरा गए, घबरा गए। शेर सुनाऊंगा लेकिन शेर नहीं सुनाऊंगा। क्यूट, बहुत क्यूट, वेरी क्यूट। भूल गए, कोई बात, क्यूट। अगला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नौशीन। नौशीन क्या करती हैं आप? मैं बीएस कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। वेरी नाइस। नौशीन को सवाल लाई जी, मेरा मीरब से क्वेश्चन है। वहाँ करें, आपने अभी तक जितने भी रोल्स किए हैं, सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, तो क्या आपका इरादा है कि आप मेन रोल भी करें या आपने मौलाना फजलुर रहमान की तरह साइड पे ही रहना है हमेशा? सियासी सवाल, बहुत सियासी चलेगी। अच्छा हुआ कुछ यूं, हुआ कुछ यूं कि मैं भी छोटी हूँ तो मैंने जब शुरू में ट्राई किया तो मैं खुद भी डरती थी फ्रंट पे आने से कि मेन पे आऊँगी, बहुत आप पे प्रेशर होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। तो जो अच्छा लगा वो कर लिया, कभी भी ये देख के नहीं गए कौन सा मेन है, कौन सा साइड है, कौन सा उधर है, कौन सा इधर है, जो अच्छा लगा कर लिया। लेकिन इंशाल्लाह अगर अच्छी ऑप्शन आई तो श्योर, वाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अनस। अनस क्या करते हो? ICS। सवाल लाए जी, मेरा मीरम मैं आपसे ये सवाल है कि आपके भाई रामेश और आपके फ्यून से आसिम अज़र दोनों सिंगर हैं, तो आपने सच बताना है दोनों में से बेस्ट सिंगिंग कौन करता है? सादा सवाल है, सादा सवाल है। देखिए इसका जवाब बहुत सीधा है, एक रैपर है और एक सिंगर है। रैपिंग? अच्छा, एक रैपर है और एक सिंगर है, मतलब सिंगर वो रैपर है तो मतलब तो रैपर में गाना तो नहीं गाते ना, सिंगर होता है वो, जॉनर है सिंगिंग का यार। रामेश, मैं रामेश से रिक्वेस्ट करूंगा, रामेश 5 सेकंड के लिए अगर तुम आ सको यार, ताली होनी चाहिए रामेश के लिए। अच्छा रामेश क्या हाल है? रामेश के लिए ताली होनी चाहिए भाई, बेहतरीन रैपर है रामेश, रामेश से पकड़ो। हाँ भाई रामेश, माइक ही नहीं हो रहा जी। ये मुकाबला हो रहा है आसिम अजहर हैं और रामेश हैं। हाँ जी। ये इनमें से बेहतर सिंगर कौन है मीरब अली? बहुत आंखों में आके डाल रहे हैं। ये सिंगर ही नहीं मान रही, पहले तो ये है कि सिंगर ही नहीं मान रही। वो मान ले मैं चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तुम समझते हो रैपर सिंगर होते हैं बिल्कुल होते हैं, वो जॉनर एक म्यूजिक का होते हैं। लेकिन अगर मेरे से भी सवाल किया जाए तो आई थिंक मैं आसिम को ही कहूंगा। क्या कहूंगा आसिम को? मैं भी चलो तो उसकी कुछ लाइनें मैं सुनाऊंगा सबने सुननी। अच्छा, मूड स्विंग जैसे वसीम अकरम टेंशन में, मैं जैसे पेंशन पे और तू बैठी मेंशन में, डीएम पे हुआ ख्यालों का तबादला, जो तेरे पीछे उनसे हो जाए मुकाबला, तू चलती फिरती ब्रांड कातिल हसीना, मेरा सुपर कार्ड पे ही कट जाता पूरा महीना, टिकटॉक बनाती तू ट्विटर पे ट्रेंडिंग, माना जेब थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग, नो डाउट मैं तेरा मिस्टर राइट, ऑन लाइट बस करें पिलो फाइट, होल्ड टाइट ए आजमा के देख, तेरे डैडी भी कहेंगे ये पीस बहुत टाइट ए, नखरे कम कर बेबी थोड़ा चिल लो, मैं कहता दिल दो और वो कहती बिल दो, होती है फैन क्यों, आई एम जस्ट प्लेइंग, पे द क्रेडिट कार्ड ना पुली, यू नो हूज पेइंग। वाह वाह, नौ दिन और रात वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। हस ओ हशाक, इसमें खुशक, हाँ इसे कुछ करो करो करो, क्या चीज खुश्क हो जाती है, क्या चीज खुश, पानी, जमीन, आसमान, वो तुक्का मारो, खस और खशाक, खस पता है, खस फसल, फसल फसल का खुश्क होना, फसल से रिलेटेड चीज है ये। अबे घास और तिनको को कहते हैं खस और खशाक, तो मैंने सही बोला, ठीक है, वेरी गुड, नहीं हुआ।
मेरे साथ मौजूद है मीरा बली। एक गेम आपके साथ खेलना पड़ेगा मुझे, उस गेम का नाम है नजर बंद। गेम में होगा ये, आपको बनाएंगे ब्लाइंड फोल्ड और उसके बाद इस एसएमडी पे जो पीछे लगी हुई एक तस्वीर आएगी, वो किसी शख्सियत की हो सकती है, जगह की, चीज की या जानवर की। आपने सिर्फ सवाल पूछने और उससे गैस करना, मैं हिंट्स भी दूंगा, उससे गैस करना ये चीज क्या है। ठीक है, ये रहा आपका ब्लाइंड फोल्ड, ये आप पहनेंगे खुद से। चलो भाई लगाओ। हाँ भाई आ गए। ये ऐसी आवाजें क्यों निकाली है, पहला सवाल? नहीं पता नहीं, इन्होंने आवाजें इसलिए निकाली क्योंकि ये बहुत अजीब सी चीज है। इंसान है? इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? इंसान नहीं। चीज? अच्छा, ड्रोनी चीज है? अक्सर ड्रोनी फिल्मों में इसका इस्तेमाल होता है। होता है? होता है? नहीं होता भाई। वो डॉल तो नहीं है? डॉल नहीं, डॉल नहीं, नहीं। इज्जत महफूज करने के काम आती है ये चीज, इज्जत महफूज करने के काम आती है। बहुत पता है, इतने गंदे हिंट्स दिए, पता नहीं लोग कैसे गेस। वो हॉरर मूवीज में इस्तेमाल होती है। आपने मुझसे पूछा डरौनी है, मैंने कहा डरौनी है तो नहीं मगर डरौनी फिल्मों में जरूर इस्तेमाल होती है। इज्जत महफूज कर, इज्जत महफूज कभी, हाँ इसको खोल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। हैं दुपट्टा? दुपट्टे भी कई कई बार इसके लिए इस्तेमाल किए गए। इस्त्री? इस्त्री नहीं है। इस्त्री? अच्छा, और बेहतर दे हिंट्स। ये एक डंडे की मोहताज है। वो वैक्यूम वाइपर, झाड़ू? नहीं वो नहीं है कुछ। और बेहतर, और बेहतर ताबिश, बहुत अच्छा। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, सुबह के वक्त खोलते हैं, रात के वक्त बंद कर देते हैं। हर हॉरर मूवी में सबसे पहले क्या हिलता है? पर्दे। कंबल हिलता है, वो बिस्तर से कंबल हटाते हैं। बड़ा मुश्किल है जब जब ये पेन के करो ना, बहुत मुश्किल है, कुछ है समझ नहीं आ रहा। चलो एक और लगा, मेरा एक और। चल सही है, आप छोड़ दो, आप इनको छोड़ दो। आसिम है? आसिम नहीं। मुझे आसिम की आवाज आई। अच्छा। आसिम नहीं, आसिम नहीं है भाई, नहीं है आसिम ये। आपकी भाई ने हिंट देने की, मुझे क्या पता क्या आप पूछो। पूछ भी है अभी, किस तरह का सवाल है? लाख करोड़ों जानवरों की पूछे। कुत्ता? कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं। दौड़ता है, भागता है? हैं? दौड़ता है? दौड़ नहीं, कूदता है। कुत्ता नहीं है, कूदता है। कूदता है? कूदता मतलब जंप करता है। कूदता है? कैंगरू है? नहीं नहीं नहीं, और हर वक्त कुछ खुजाता रहता है। बंदर? बंदर। उर्दू में इतना कमाल हासिल नहीं है आपको जी, इसीलिए आपका मजाक उड़ाने के लिए मैंने उर्दू के चंद मुश्किल लफ्ज अपने पास रखे हुए। मतलब देखो कुछ का मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुमने क्या करना है, लफ्ज सुनना है। ठीक है, मैं फोन फ्रेंड कर सकती हूँ उधर से? आप इनमें से सब मेरे दोस्त है ना? हाँ ठीक है, आप लोगों की हेल्प मांगूंगी। अच्छा नहीं, आप अभी सेलेक्ट कर लो कोई एक शख्सियत जिससे आप पूछोगे, आप जज कर लो। वो प्रोफेसर है कोने बैठे, शहजाद भाई। शहजाद भाई किधर है? ये कोने में बिल्कुल। आप है? हाँ। बस एक मेरे शहजाद भाई, मेरा माइक दे दो इन्हें। शहजाद भाई आप इधर आ जाओ, कोने पे आ जाओ प्लीज, मेरे साथ आ जाएं। पक्का बचा लेंगे ना? आ जाएं, आ जाएं। अल्लाह, वो खुद कंफ्यूज है। नहीं नहीं मुझे पता है, अभी तो बुलाया है। कोई एक और ज़हीन तरीन उर्दू का। आ जाओ तुम भी आ जाओ बेटा, और पैनल बना लो, पूरा पैनल बना लो, तुम इधर आ जाओ। मुझे हमारे टीचर पे यकीन है, उन्हें अपने ऊपर यकीन है। तो दूसरे को बुला दिया मैंने। हाँ भाई पहला लफ्ज है, और आप इनसे रेकमेंडेशन ले सकती हैं, जरूरी नहीं इनके साथ जाना। ठीक है। नुदरत? नुदरत नयापन, नयापन, नयापन। नुदरत जरूरी नहीं है, ये हो, तुक्का मार रहे हो सकता है, यही हो, हो सकता है, यही हो, हो सकता तो नहीं बोलो, यही है ना? ठीक है, नुदरत नयापन, नुदरत इज नयापन। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड,
किसने इसमें से देखा है? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर पूछूंगा। हाँ भाई, इधर बैठ जाओ। बोल रहे हैं ये कौन झूठ बोल रहे थे? मुझे ये नहीं है, मैं कंफ्यूज ही होगी। अब मैं सवाल पूछूं? हाँ सही, सॉरी सॉरी। अगला है खस ओ खशाक। खस ओ खशाक, खस ओ खशाक, खशाक, खस ओ खशाक। अब बोलना है बेटा, अब दिखा नहीं तो बोला नहीं जा रहा ना। खशाक, मैं यही कहने वाली खस ओ खशाक, मैं यही कहने वाली थी। देखो खस, खस ओ खशाक, इसमें खुश्क। हाँ, इसे कुछ करो करो करो। क्या चीज खुश्क हो जाती है? क्या चीज खुश? पानी, जमीन, आसमान। वो तुक्का मारो, खस ओ खशाक। खस पता है? खस फसल, फसल का खुश्क होना। फसल से रिलेटेड चीज है ये। अबे घास और तिनको को कहते हैं खस ओ खशाक। तो मैंने सही बोला, ठीक है, वेरी गुड। नहीं हुआ प्रोफेसर साहब, आप तो कई मार दो। मैंने देखे जितनी, देखे सर मैं बताऊं ना, ऐसा लगे तो सही कि प्रोफेसर हो आप। जितनी मेरी काबिलियत थी मैंने बोल दिया। अब जो लफ्ज है ये मुश्किल लफ्ज, इसका है काख। काफ अल जबर, का खे साकिन, काख, काख। अच्छा सर, काख, काख। सर उनसे क्यों पूछ रहे हैं, कुछ अपनी भी रखे। काख छोड़ दें आप, मेरा आपको तुक्का। काख, काख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अबे कक होता है वो क्या भाई? इसमें कक कुछ नहीं, यही है, यही है। कागज से कुछ है तो नहीं? नहीं, कागज से कुछ नहीं। आसिम ने वादे किए होंगे इसके। शादी? नहीं नहीं, शादी के बाद के वादे होते हैं। शादी के बाद तुम्हें मैं यहाँ रखूंगा, आसमान सर के ऊपर। छोड़ दो, महल को कहते हैं काख। अच्छा, पैलेस, महल। और बस आखिरी पूछ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये कि खशमगीन। सर आप क्वेश्चन उधर पूछ रहे हैं, देखिए मेरी तरफ जा रहे हैं, क्या बात चीज़ ही ऐसी। खशमगीन, खशमगीन, खुशमगीन सुना है मैंने, खुदा की कसम है सर। आप मैंने तो एक बताया भी, मेरा फ्रेंड इतना खराब है। खशमगीन, खशमगीन, खुश्क मिजाज। बिल्कुल अगर ऑपोजिट हो, खुशी वाला मिजाज। ये खुश मिजाज का ऑपोजिट है खुशी वाला मिजाज। गमगीन हो सकता है, खुश्क मिजाज का गमगीन, गमगीन होगा, गमगीन बराबर हो गया। तो खुश्क मिजाज गमगीन ही होता है। मुझे सर एक सेकंड, इधर आ बड़ा। मुझे सर इस बात का दुख नहीं है, इसको नहीं। इस लड़की ने पहले बोल दिया था मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन तब भी उसने कोशिश की, लफ्जों को मिलाने की कोशिश की। आपने कक कुछ नहीं, मुझे आप 100 रुपए दे, अभी दे, शो के बाद, शो के बाद 100 रुपए का जुर्माना बनता है आपका। मुझे मैंने ट्रस्ट किया। अच्छा इधर आओ तुम, और तुमने बेटा वो सर थे, कम से कम ईमानदारी से खेलते रहे। अच्छा। तुमने एक लफ्ज बताया वो भी चीटिंग करके। तो गिफ्ट नहीं मिलेगा मुझे? तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें जो मिलेगा वो मैं तुम्हें शो के बाद ही दूंगा। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दो लेकर आओ, एक और लेकर आओ। आओ बेटा, सर ये आपको, सर ये आपको पहली बार मेहंदी भी मिला होगा अपनी, दूसरी बार यहाँ मिला, तुम्हारा भी आ रहा है बेटा। कादिर रोजा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे पॉजिटिव। मैंने बहुत, मैंने एक जगह एक दफा सीख लिया कि मेरा दिमाग बहुत डम चीज होती है। आपका दिमाग आप कंट्रोल इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं थेरेपी पे गई, मैं बहुत ओपन हूँ उस चीज के बारे में कि थेरेपी बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल तबाह हो जाएं तब आप थेरेपिस्ट के पास जाकर बोलें बचा लो, तब बचाना भी मुश्किल काम होता है। तालियां। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाया, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मीरब अली। मीरब ये बताइए, लॉयर बन रही है माशाल्लाह, और ध्यान है क्रिमिनल्स में, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती है, क्या है कि मार्केट आपको लगता है बहुत बड़ी है पाकिस्तान में क्रिमिनल्स की, या आपका शौक था बचपन से? मुझे शौक था बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखा करती थी और मैं फिल्में देखा करती थी। मुझे बस ये होता था कि यार कोई ऐसे तो नहीं मार देता ना किसी को भी, क्रिमिनल्स जो सीरियल किलर्स होते हैं वो ऐसे उठ के तो नहीं कुछ कर लेते। तो मुझे था कि इनके दिमाग में कि क्या चलता है, उठते कैसे हैं, क्या सोचते हैं। तो उसके साथ साथ मैं लॉ उनका बहुत पढ़ती थी कि अच्छा इनके साथ क्या हुआ, सजा क्या हुई, पूरा प्रोसेस पढ़ती थी। तो इसकी वजह से लॉ में शौक बन गया और अब लॉयर बन रही हूँ। अरे वाह, इतनी मसरूफ स्केड्यूल के साथ पढ़ाई हो जाती है? सब कुछ हो जाता है, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इट्स वेरी नाइस। अच्छा ऐसा है कि इसके साथ साथ लॉयर तो बनी रही है, मैं आपको आर्टिस्ट बना के भी भेजूंगा। सेगमेंट का नाम है बनावटी,
करते ये हैं इसमें से बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे पास जो भी आए उन्होंने किसी की पाकिस्तान इंडस्ट्री में ड्राइंग अच्छी नहीं है सही है मेरी ठीक है अच्छी है क्या मेरी आज देख लेते हैं शायद मीरा ये रही आपकी स्केचबुक ये रही आपका मार्कर चले भाई अब इस पे ऐसा होगा मीरा कि ये बनावटी सेगमेंट का नाम है यहाँ एक स्केच आएगा 5 सेकंड के लिए ठीक है और जैसे ही वो आएगा ये 5 4 3 2 1 करेंगे ठीक है जैसे ही ये 5 4 3 2 1 करेंगे वो गायब हो जाएगा और हमारे पास होंगे 30 सेकंड्स उसको दोबारा बनाने के लिए ठीक है दिखाओ बेटा नाम मुश्किल मैं तो भूल ही गई मेरी बहुत अच्छी है यार पता है बहुत ट्रिकी है अब हो गई खराब हो गई यार ये तो बड़ी बुरी बन रही है क्या 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 रुको भाईजान मुझे नहीं दिखानी ये बहुत जल्दी खत्म हुए 30 सेकंड हाँ मेरा तो माइक ही बन पाया मैं भी माइक में ही था आपने बड़ा डिटेल से माइक बनाया है अब बताओ भाई आपके पास क्या है हाँ अच्छा है ऑलमोस्ट ऐसी टेढ़ी उंगलियां हैं बंदे की यू पकड़ा था मैं हेलो अभी एक और है दिखाओ भाई यार कोई मजे की दिखाओ यार ये मुंह ही निकल रहा है पूरा पेज से ठीक है मीरा मतलब यार देखो 30 सेकंड है मेरे पास बहुत यार तब भी लग रही है वो ही अच्छी लग रही है ना मेरे मैंने बाल बंद नहीं किए मुंह कहीं और है इसका जल्दी में निकल आई अरे तो आपने मेरे घर की जिंद बना लास्ट दिखाओ बेटा ठीक है अच्छा वो दिखा दो बेटा आखिरी बहुत स्पेशल है कह रहे हैं या अल्लाह दिखा दो क्या है कौन है ये आसिम है ये बनाइए पर्स वॉलेट से निकाल के लगा दी एक्चुअली बनानी है अल्लाह नहीं मैं नहीं बना रही और आप कर रही हूँ मैं आप पहले दिखाएं अपनी अरे ये मैं ये नहीं बना रही वो ही दिखाएं अपनी दिखाएं भाई मैं तुम क्या बात पहले अपनी दिखाएं मैं गुड ट्राई देखिए मैं शक्ल खराब नहीं करना चाहती थी तो मतलब सही है वाह ठीक है वाह दिल 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 क्या बात है क्या बात है बच गई ताली होनी चाहिए मीरा के लिए बहुत अच्छी ड्राइंग है मीरा ये मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं तो मैंने कहा नहीं अच्छा मीरा तो एक सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2020-21 में आप डिप्रेशन का शिकार हो गई और आपने फिर से कोप अप भी किया यू आर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ इट बच्चे इस उम्र के आजकल काफी प्रिवेलेंट है इस दौर में डिप्रेशन क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपोजर बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अब हमें पता है हमारे दिमाग के साथ क्या हो रहा है हाउ डिड यू कोप अप तो मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम लगता है समझने में कि आप डिप्रेस्ड हो अच्छा क्योंकि आसपास के लोग आपको कहते रहते हैं अरे कुछ नहीं होता अरे ठीक हो जाओगे खुश रहा करो बेटा खुश रहा करो रो क्यों रही हो अरे कुछ नहीं होता तो बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में कि यार ये चल रहा है काफ़ी देर से और ये ख़त्म नहीं हो रहा ठीक है वो जब मुझे पता चला मैं हमेशा जब डिप्रेशन की बात भी करती हूँ तो मैं बहुत हंसी मजाक के साथ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितनी दफ़ा दुख से किया है किसने समझी नहीं मजाक में लोगों को समझ आती है अरे तुम सैड हो रहे हो कुछ नहीं होता तो ये है कि मैंने बहुत आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टे पॉजिटिव मैंने एक दफ़ा सीख लिया कि मेरा दिमाग बहुत डम चीज़ होती है
आपका दिमाग आप कंट्रोल इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं थेरेपी पे गई, मैं बहुत ओपन हूँ उस चीज़ के बारे में कि थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल तबाह हो जाएं तब आप थेरेपिस्ट के पास जाकर बोलें बचा लो, तब बचाना भी मुश्किल काम होता है, पीछे वापस हटना बहुत ख़राब हो चुके होते हो। लेकिन ये कि एनी बडी हेयर हु थिंक्स कि हमें नहीं चाहिए थेरेपिस्ट, आपको चाहिए थेरेपिस्ट। आपने फिर एक्टिंग से ही ब्रेक लिया होता है इस दौरान? मैंने एक्टिंग से अब ब्रेक लिया है। आई ब्रेक लिया मैं थी आई थिंक नवंबर से लेकर अब तक मैंने ब्रेक लिया। जून में आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग अगेन। थोड़ा ज्यादा हो रहा था मेरे लिए, ठीक है। मैं छोटी भी पढ़ाई भी छोटी भी तो हूं, तुम छोटी भी तो हूं। अच्छा मेरा ऐसा है कि भाई एक गेम तुम्हारे साथ खेलना चाहेंगे, ठीक है। गेम का नाम है बचाओ। बचाओ के अंदर हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। आप कैसा भी खेलें ये आपके साथ ही जाएगा। अरे बेस्ट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गेम में ऐसा है कि आपके दिल के कोई करीब हस्ती एक मुसीबत में फंसी होंगी, आपसे मैं तीन सवाल पूछूंगा, अगर आपने एक मिनट के अंदर उन तीन सवालों के जवाब दे दिए तो वो मुसीबत से आजाद हो जाएंगी, और अगर नहीं दे पाई तो मुसीबत थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। देखते हैं मुसीबत में आज कौन है। मासूम के साथ क्या क्या कर रहे हैं? मासूम को देखो आप, कश्ती में बंधा बैठा है मगर खुश है। अच्छा। जैसे किसी का इंतजार हो। आइए सवाल पूछते हैं बचाओ। बचाओ का पहला सवाल, दुनिया के 5 कैपिटल्स के नाम बताइए। रियाद, इस्लामाबाद, थैंक यू, रियाद, इस्लामाबाद, क्या है, अरे एक बोल, हाँ न्यूयॉर्क सिटी बोला किसी ने। न्यूयॉर्क सिटी नहीं है कैपिटल, वो बोल रहे हैं। अरे इतना टाइम नहीं है, वो शहर का रही है वहां पर। काबुल, दिल्ली, काबुल दिल्ली, वॉशिंगटन, सामरा, पता नहीं बोल रहे हैं, सुन रही हूँ बस, ठीक है। हो गए 5, हो गए, रुक यार यार ये प्रेशर में नहीं चलती। आसिम हमारा भी अच्छा भाई है यार। सोलर सिस्टम के कोई भी 6 प्लैनेट्स के नाम बता दीजिए। अच्छा जुपिटर, यूरेनस, अर्थ, मार्स, प्लूटो नहीं है, लेकिन सैटर्न, बस ना, मर्करी, हो गए स्टॉप यार। अच्छा क्या आसिम देख ले बेटा, मैं बचा रहा हूँ लड़की को। नियत नहीं लग रही, जल्दी जल्दी मैंने बोले, वैसे कोई नियत नहीं लग रही, बातें कर रही वहां पे चाय पे क्या पत्ती ज्यादा डल रही, इतनी बातें कर रही है। अच्छा आखिरी, हाँ, गाड़ी के कोई भी 8 पार्ट्स के नाम बताइए। अच्छा ब्रेक, ब्रेक, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, वो पेट्रोल वाला जो टंकी, टंकी, चलो टंकी, टंकी, डिग्गी, डिग्गी, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट, उस बम्पर, बम्पर, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर, एक 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 हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक, यस स्टॉप, बच गया आसिम, बच, पहली बार बहुत खुल गया। बड़ी मुश्किल गेम थी यार ये। अगर आप 3 सेकंड लेट हो जाती हैं तो क्या होता, दिखाओ क्या होता बेटा। लेकिन नहीं हुआ, और आसिम आपको बचाने बेटा मेरा किरदार है और ऑडियंस का किरदार है, लड़के की नियत नहीं थी। मेरा आपके साथ ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत इसको यहीं रखे, इसको दे के उधर करवा के क्या फायदा, और खुले खुले हाथों वाला आसिम भी साथ जाए। ओके ठीक है। अच्छा भाई मीरब ऐसा है कि माशाल्लाह से आसिम का इस सेगमेंट के अलावा आपने जिक्र नहीं किया, मगर आज से आसिम के साथ इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपकी शादी जब हो जाएगी तो 20 साल बाद आसिम से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, वो किस तरह ट्रीट कर रहा होगा मीरब को? वो जैसा करता है अच्छा करता है। 20 साल बाद भी तुम्हें लगता है वैसे ही रहेगा? यही बरकरार रखे, ऐसी बरकरार रहे, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, ठीक है। कादिर आजाद मेरे साथ मौजूद थी, नटखट सी छोटी सी चुलबुली सी मीरब अली, बहुत मजा आया इनके साथ शरारती की गेम्स के लिए, ऑडियंस भी आज बहुत कमाल थी, इनके साथ भी हमने बातें की शरारती की। आज का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है, मगर जाने से पहले मीरब मैं करता हूँ कमाल की बात। आज ही कमाल की बात है कि डू नॉट गिव द पास्ट द पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर, यानी कि अपने माजी को अपने फ्यूचर को डिफाइन करने की ताकत ना दीजिए। हो सकता है हम सबके माजी में कुछ ना कुछ होता है, मगर अगर आप अपने माजियों में रहेंगे चाहे वो बहुत ही अच्छा हो, अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते रहते हैं भाई जान इतनी हवेलियां छोड़कर आए थे हिंदुस्तान से, ये थे हमारे अब्बा, ये पास भी आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और वो पास भी जिसमें आप कहते हैं यार कुछ मिला ही नहीं, हम तो बचपन से ही गरीब थे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये पास भी आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो जो कुछ कर रहे हैं आज से कीजिए, आज ही से अपना फ्यूचर लिखिए और अय्याशी कीजिए। 11:55 बज रहे हैं घड़ियों में, 11:55 पे क्या करती है मीरब, क्या करती हैं, सो जाती हैं, शो नहीं देखती हमारा, वो देखती, देख के देखते हुए सो जाती हैं। इतना बोरिंग होता है कि देखते देखते सो जाती हैं। जैसे आप कहते हैं ये अच्छी कमाल की बात करती हैं, सो जाती हैं। वेरी गुड खवातीन और हज़रात, आप भी सो जाइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।